गुड नेम अजय ओपी विस्तारा आप ये सबसे पहले अपना पूरा जो रूटीन होता है जैसे कि आप ये देख रहे हो सुबह 9 बजे से और अब 5 बजे तक मेरा हर समय का रूटीन है यहाँ पे तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हमने रूम शिफ्ट तो कर लिया है बट अभी थोड़ा सा कूड़ा कबाड़ा बहुत है इस रूम में, तो अभी वो सब करेंगे ठीक ठाक। तो आफ्टर 5 मंथ के बाद मेरा आज फर्स्ट डे है ऑफिस का। और आई होप कि जितने भी आप लोग हो, मतलब जिनकी जॉब चली गई थी या फिर मतलब घर से काम कर रहे थे, तो आई होप कि आप सब लोग अब आराम आराम से अपने ऑफिस को ज्वाइन कर रहे होंगे। तो आज मेरा भी फर्स्ट डे है और फीलिंग पता है ऐसी है कि जब टेंथ के एग्ज़ाम होते थे ना, तो जो 1-2 महीने का हमारा गैप मिलता था, तो वैसी वाली फीलिंग हो रही कि यार आज स्कूल जाना है। तो वो सब फीलिंग मेरी भी आज, बट थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा है कि यार थोड़ा सा अब ज़्यादा टाइम मिलेगा मुझे ऑफिस में, मतलब काम करने के लिए। आज एक्चुअली घर से ऐसा हो रहा था कि मतलब उतना फोकस नहीं हो पा रहा था काम पे, है ना। तो आज ऑफिस जाते हैं और देखते हैं। आई थिंक मेरा पूरा जो स्टाफ था मतलब हमारे ऑफिस का, तो वो भी सब चेंज हो चुका है, सिर्फ मैं ही हूँ जो पुराना बचा हुआ हूँ यहाँ पे। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन है वहाँ पे और क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। कैब भी आ चुकी है यहाँ पे और अब चलते हैं अंदर। गुड मॉर्निंग सर। और टाइम पे मैं मतलब यहाँ से जो सामने ही यहाँ से बस जाती थी उसमें मतलब 10-10 रुपये में चले जाते थे, बट अभी थोड़ा सा कोरोना की वजह से हमें मतलब कैब वगैरह लेनी पड़ती है, क्योंकि ऑफिस से भी मतलब वो है कि ऑफिस भी थोड़ा सा सपोर्ट करेगा और हमें भी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। तो हमें वैसे भी ऑफिस की कैब चलती है बट वो दिल्ली वाले रूट पे चलती है, क्योंकि मैं गुड़गांव में हूँ तो गुड़गांव में कैब नहीं चलती है। और अभी मैं निकला हूँ 9:45 बजे और मुझे 9 बजे पहुँचना होता है, तो मतलब 10-15 मिनट ही लगता है कैब में, तो जल्दी पहुँच जाता हूँ। तो अभी देखते हैं कि फिर क्या होता है और ऑफिस जाके अभी बताता हूँ आपका रूट कैसा है यहाँ पे। अजय ओपी विस्तारा टावर बी फ्लोर 5th फ्लोर। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट हो रहा था ये हैंड पे रख के, तो अभी देखते हैं आगे। साइड पर रोक देना बी के सामने। चलते हैं वहाँ, ठीक है, थैंक यू भैया।
अभी हम पहुंच गए हैं, तो अभी हमें यहाँ से जाना है 5th फ्लोर पे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आ गई मेरी लिफ्ट भी। अभी शायद ज़्यादा कोई आया नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है नहीं कोई। तो पहुँच गए हैं 5th फ्लोर पे और अभी देखते हैं। हेलो, तो ये है मेरा ऑफिस। तो यहाँ लाइट वगैरह भी नहीं जल रही है। अरे यहाँ पर कोई आया नहीं, तो बंद है क्या? बंद तो नहीं था आपके साथ? लोग देखते हैं क्या होता है, फोन करते हैं पहले। आज मेरा ऑफिस जो है वो क्लोज है, क्योंकि शायद कोई ऑफिस में पॉजिटिव निकल गया था, तो इसकी वजह से। मुझे एक्चुअली कल तो बताया था शाम को कि आपको आना है ऑफिस, और अभी यहाँ ऑफिस आके पता चल रहा है कि अभी तो 2 दिन के लिए ऑफिस बंद है। तो फिर अभी उनकी रिपोर्ट, जब सबकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही फिर ऑफिस खुलेगा। तो अभी हम दोबारा से फिर घर जाते हैं और घर से ही काम करते हैं। तो ये है हमारे फ्लोर से व्यू, ये पीछे का बैकग्राउंड है, और अंदर का मैं कल बताऊंगा जब मतलब ऑफिस आएंगे, उस दिन आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे। तो अभी आ गए हम ऑफिस में, और ये है मेरा मॉर्निंग का खुद के लिए मोटिवेशन, और ये मेरी सैनिटाइज बोतल, ये मेरा कप कॉफ़ी वाला, अभी तो कॉफ़ी है नहीं, ख़त्म होने वाली है। और बाकी यही है, आज ऑफिस में कोई भी नहीं है, सब खाली खाली सा लग रहा है, अकेले अकेले हैं हम। हाँ, ऑफिस से और यहाँ रोड तक मेरा होता है लंच टाइम। तो लंच टाइम मतलब मैं वॉक करता हूँ, 30-35 मिनट तक वॉक करता हूँ और यहाँ तक आता हूँ मैं। तो उसके बाद मतलब क्योंकि दिन भर में मुझे ज़्यादा उठने की आदत नहीं है, तो इसलिए मैं फिर 30-40 मिनट का वॉक कर लेता हूँ, ठीक है। तो उतनी दूर वो है ऑफिस, तो 30-40 मिनट मतलब लग ही जाता है आराम से टहलते वहलते। और अब चलते हैं वापस। भाई 17 ही काम पड़ेगा, ठीक है ना? 17 ही तो 17 ये सुहाड़ी वाला रास्ते से निकलेगा। एक इंक्रीमेंट देना। अरे ले लेना, सुबारी को बेचिकल करवा दूँ, कुछ नहीं करता है, कुछ छोड़ता भी कर दिया। क्योंकि आज का ब्लॉग एक प्रोफेशनल ब्लॉग था, मतलब ऑफिस का ब्लॉग था मेरा। तो लास्ट में आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो जो भी मतलब अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपने करियर की और जो भी है, तो उसमें ना आप ये सबसे पहले अपना पूरा जो रूटीन होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो सुबह 9 बजे से और अब 5 बजे तक, मेरा हर समय का रूटीन है यहाँ पे कि मैंने क्या किया पूरे दिन भर। तो ये रूटीन भी आप भी बनाएं, और मतलब जो ये रूटीन होता है ना, आप खुद की लाइफ में हो या फिर कैसे भी हो, तो ये रूटीन आपको बहुत मतलब बहुत आगे ले जाएगा अगर आप अपने टाइम के हिसाब से अगर चलते हो। तो ये चीज़ बनानी बहुत ज़रूरी होती है, टाइम पास करने के लिए नहीं आना होता है ऑफिस कुछ। ये चीज़ आपको सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं, आपके पर्सनल में भी बहुत काम आता है।